बिस्मिल्लाहिर्रहमानुर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। जद्दा से चार पाकिस्तानी गिरफ्तार हुए हैं जी। किस चक्कर में गिरफ्तार हुए हैं, काम क्या कर रखे हैं, यहाँ पर आपको दिखाता हूँ मैं। अक्सर आपने सुना होगा जी, जद्दा से अक्सर पाकिस्तानी पकड़े जाते हैं, ये कामा एक्सपायर हो। मैं खुद से एक दफ़ा मदीना में कामा एक्सपायर था और पकड़ा गया। यानी कि एक ही कामा एक्सपायर हो या दो ही कामा एक्सपायर हो तो आपको छोड़ दिया जाता है, यानी कि फाइन करके। एक इकामे के ऊपर 500 एंड दो इकामे एक्सपायर हो तो 1000 रियाल का। अगर तीन इकामे एक्सपायर हो तो फिर आपको बाई डिपोर्टिंग किया जाता है। और साय खास है ना अमन मंदिर, यानी कि छोटा महीना वाले एक इकामे एक्सपायर में पकड़े जाए तो उनके लिए फिर भी मुश्किल हो जाती है, यानी कि उनको वो छोड़ते वरना डिपोर्ट भी कर देते हैं। और ऐसा ही ये बंदे भी यहाँ पर आपको दिखा रहा हूँ मैं अभी जो पिक्चर। एक चीज मैं यहाँ पर और ऐड कर दूँ यार, कि अभी कल ही या दो दिन पहले व्हाट्सएप के ऊपर एक नंबर लिया ही मुझसे पाकिस्तानी ने और बातचीत करने लगे मुझसे। मैं बोल रहा था मुझको कि मैं 4 साल पहले गया था सऊदी, 4 के 5 साल पहले, और उमरा पर गया और काम करने लग गया वहीं पर। तो 4-5 साल अभी मैं वापस आना चाहता हूँ। मैं सफारा में भी गया, मुझे कुछ बता दें, ये पासपोर्ट भी नहीं है मेरे पास। तो बहरहाल मैंने उसको जो भी रिप्लाई किया वो कर दिया, लेकिन ऐसा नहीं करना चाहिए। आप उमरा पर गए और वहाँ पर काम कर सिलसिले में चले जाएं, ये गलत तरीक़ाकार है। इसके ऊपर फिर आपको वो 6 माह में जेल भी रख सकते हैं और साथ में फाइन भी कर सकते हैं, ये भी अपने ध्यान में रखिएगा। बहरहाल ये जो पिक्चर अभी आपको मैं दिखा रहा हूँ इनकी, ये हुआ कुछ यूँ है जी, ये जद्दा में गिरफ्तार हुए हैं। आपको ये भी पता है जब हम सऊदी अरेबिया का सफर करते हैं पाकिस्तान से, तो हमारे पासपोर्ट के ऊपर या हमें वैसे आर्थिक तौर पर बता दिया जाता है एजेंटों की तरफ से कि कोई भी किसी किस्म की नशा और चीज़ अपने साथ ले जाने के ऊपर सऊदी अरेबिया के कानून के मुताबिक आपका सर कलम कर दिया जाएगा, यानी कि सजाए मौत होगी। ठीक है जी, ये बंदे भी लेकिन ये वहीं पर स्मगलिंग करते हुए गिरफ्तार हुए हैं। यानी कि एक तो फिटामिन गोलियां इनके पास से बरामद हुई हैं, जिनकी यानी कि 3.5 किलो के करीब वो बरामद हुई हैं, नशावर गोलियां हैं जी। और दूसरा इनके पास से जी 0.5 किलो चरस भी बरामद हुई है। चरस यहाँ पर तो आम मिलती है, लेकिन 0.5 किलो चरस वहाँ पर, अगर 0.5 किलो चरस एक मैंने रख दिया खासकर सऊदी अरेबिया में, तो इनके पास से 0.5 किलो चरस भी बरामद हुई है। बहरहाल इनको गिरफ्तार कर लिया गया, अभी लंबे अरसे के लिए जेल में पड़े रहेंगे और बाद में की शाही माफी का इंतजार करते रहेंगे।